चलिए भाई, इंडिया और अफगानिस्तान इन दोनों देशों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज अब महज कुछ घंटों में शुरू हो जाएगी। दोनों टीम्स 11 जनवरी से मोहाली के मैदान पर 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच के लिए आमने सामने आएंगी। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का जो स्क्वाड है उसका अनाउंसमेंट तो हो चुका है, बहुत सारी बातें हुई हैं उसके आसपास, हमने भी काफ़ी डिस्कशन किया है। टीम इंडिया के स्क्वाड में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी, इसने फैंस को सेलिब्रेशन का मौका दिया है। आखिर ये टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज हैं जो पूरे 14 महीने बाद T20 फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं और सबसे प्यारे हैं भाई सबके। लेकिन इस स्क्वाड में टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट के 2 खिलाड़ी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली। अब ये दोनों टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं और काफ़ी समय से टीम के साथ बने हुए हैं। ऐसे में इन दोनों प्लेयर्स का बाहर जाना बहुत सारे सवाल पैदा करता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों हुए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर टीम इंडिया से बाहर, क्या रीज़न है कि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हाय एवरीवन, आई एम तान्या एंड गेट रेडी टू वॉच दिस वीडियो। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि ईशान किशन ने मेंटल हेल्थ के कारण कुछ दिनों के लिए क्रिकेट से दूर रहने का फैसला किया। हालांकि BCCI या खुद ईशान ने इस बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थी। वहीं अय्यर को खराब फॉर्म के कारण नहीं चुना गया क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पिछली T20 सीरीज थी उसके दौरान टीम के वाइस कैप्टन भी थे, लेकिन उसके बावजूद टीम का हिस्सा नहीं है। अब दोनों के चयन नहीं होने को लेकर एक नई बात सामने आई है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को डिसिप्लिनरी एक्शन की सजा के तौर पर नहीं चुना गया है। ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है कि सेलेक्टर्स ईशान किशन से थोड़े से नाराज चल रहे हैं। ईशान किशन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से सीरीज से कुछ ही दिन पहले वापस अपना नाम ले लिया था, वो घर लौट गए थे। इसके बाद ईशान किशन को एक्स कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के साथ पार्टी करते हुए देखा गया था। इसके अलावा वो एक टीवी को शो में भी नजर आए थे, इस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अब अगर बात करें श्रेयस अय्यर की, तो सिलेक्टर श्रेयस के शॉर्ट सिलेक्शंस की वजह से नाराज है। साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज के दौरान उनका शॉर्ट सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं रहा। श्रेयस अय्यर पूरी सीरीज में डिफेंस में और पेस बॉलिंग के खिलाफ काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, इस कारण सिलेक्टर्स ने उन्हें रणजी में खेलने के लिए कहा है। आंध्र प्रदेश के खिलाफ 12 जनवरी से होने वाले मैचेस के लिए अय्यर को मुंबई की टीम में शामिल भी किया गया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से सिलेक्शन कमेटी उन खिलाड़ियों पर सख्ती से निपटने का मन बना चुकी है जो टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके साथ ही साथ सिलेक्टर्स जो है वो रिंकू सिंह की कड़ी मेहनत से काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उन्हें जल्दी टेस्ट टीम में शामिल किया जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो है वो इतने करीब है, ऐसे में प्लेयर्स के लिए हर एक मैच की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अफगानिस्तान के खिलाफ ये जो 3 मैचों की T20 सीरीज है, ये टीम इंडिया की वर्ल्ड कप से पहले आखिरी T20 सीरीज है। ऐसे में इन दोनों प्लेयर्स का इस सीरीज को मिस कर जाना कहीं ना कहीं श्रेयस और ईशान के वर्ल्ड कप के चांसेस पर भी असर डालता है। इन तीनों मैचेस की सीरीज के बाद टीम इंडिया 25 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए उतरने वाली है, सो वहां पर फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि सिलेक्टर्स ने ईशान और श्रेयस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इन दोनों खिलाड़ियों को टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में जगह मिलती है या नहीं। वैसे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पर BCCI ने जो एक्शन लिया है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है हमें ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और क्या जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें हिस्सा होना चाहिए, इन दोनों को जगह मिलनी चाहिए या नहीं, ये भी हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, हमारे पेजेस को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर पेज पर हम आपके लिए अलग अलग स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट लेकर आते रहेंगे।